बाद 20 घंटे बाद ही डीएम पर भी गाज गिर गई। मैनपुरी तत्कालीन जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय को भी शासन ने हटा दिया, उनकी जगह आबकारी आयुक्त गन्ना महेंद्र सिंह को मैनपुरी का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। लगातार मामले में कार्रवाई पे कार्रवाई का सिलसिला जारी है, अधिकारियों पे गाज गिरना लगातार जारी है। अनुष्का पांडे हत्याकांड में कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, लगातार अधिकारियों की गाज गिरने का सिलसिला जारी है। पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय के बाद जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय पर महज 20 घंटे के बाद गाज गिर गई। मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्काल प्रभाव से डीएम मैनपुरी प्रमोद कुमार उपाध्याय को हटाकर अपर आयुक्त गन्ना पर तैनाती दे दी गई। वहीं मैनपुरी में अपर आयुक्त गन्ना के पद पर तैनात रहे 2010 बैच के आईएएस अफसर महेंद्र बहादुर सिंह को मैनपुरी का नया जिलाधिकारी बना दिया गया। नवागत जिलाधिकारी का अब तक का कार्यकाल कैसा रहा और वह कुछ इस तरीके के अफसर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले से सुजानपुर गांव में जन्मे महेंद्र बहादुर सिंह मैनपुरी के डीएम बने हैं। जन सुनवाई और उसके निस्तारण में उनका काम इतना बेहतरीन रहा है कि उन्हें यूपी सरकार से सम्मानित भी किया गया। 2010 बैच के आईएएस अफसर महेंद्र सिंह बहादुर बताते हैं कि उनका गांव फतेहपुर जिले में पड़ता है। उनके पिता रामचंद्र सिंह चकवंदी विभाग में क्लर्क थे। उन्होंने 2010 में यूपीएससी एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। यही उनके पिता का सपना था जो कि उन्होंने पूरा किया। 2010 बैच के आईएएस अफसर महेंद्र बहादुर का कार्यकाल बेहद ही सराहनीय रहा है। जिस जनपद में वह जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे, निष्पक्ष शासन की मंशा के अनुरूप उनकी कार्यशैली रही। मैनपुरी में भी आने के बाद उनकी कार्यशैली इसी तरीके की रहेगी। शासन की प्रत्येक योजना का सीधा लाभ जनता को दिया जाना और जनता की हर तरीके की समस्या का निस्तारण करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।